दोस्तों, अगर आप Redmi Note 7 के यूजर्स हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि फाइनली Redmi Note 7 के यूजर्स के लिए एक और न्यू अपडेट यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आपका MIUI 10.2.10.0 एंड पिछले एक महीने के अंदर Redmi Note 7 के यूजर्स के लिए तीन यहाँ पर लगातार अपडेट रोल आउट किए गए Xiaomi की तरफ से, यानी कंपनी को ज़्यादा ही मेहरबान है Redmi Note 7 के यूजर्स के ऊपर। तो यार काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी को लगातार अपडेट्स देते रहना चाहिए एंड फीचर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे इसी न्यू अपडेट के बारे में, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एंड जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो उनको कब तक मिल जाएगा, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर से देखते रहिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर Redmi Note 7 के जो भी अपडेट्स यहाँ पर आएंगे उसकी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करूँ इस न्यू अपडेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं हमने अपने डिवाइस को सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है। MIUI वर्जन आपको मिलता है 10.2.10.0 का एंड यहाँ पर एंड्रॉइड सर्विस पैच लेवल आपको मिल जाता है 5 फरवरी 2019 का। तो मार्च का यहाँ पर कम से कम मिल जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपडेट में आपको जरूर से मार्च या फिर अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टम अपडेट में यहाँ पर चलते हैं, आप देख सकते हैं वर्जन आपको यही मिलता है देखने को। वर्ड्स न्यू में आपको लेकर चलता हूँ, अदर्स में यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो कहीं जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इंप्रूव्ड यहाँ पर कर दिया गया है। वो तो अपडेट करने के बाद गाइज अभी 3-4 दिन स्मार्टफोन को मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखूंगा कि कितना यहाँ पर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो सिस्टम की सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। गाइज अगर मैं बात करूँ इस अपडेट के बारे में, जिन यूजर्स को ये अपडेट OTA के थ्रू उनके अपडेटर ऐप में नहीं मिला है तो उनको कब तक मिलेगा, तो दोस्तों ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। तो जैसे ही इस अपडेट में कोई बग्स यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आते हैं तो जल्दी आने वाले एक वीक में ये अपडेट आपको रोल आउट कर दिया जाएगा। तो 7-8 दिन आप वेट कर लीजिए इस अपडेट के लिए एंड अगर मुझे इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स मिल जाती है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिए, डाउनलोड लिंक जैसे ही मिलेगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। गाइस अगर बात करूँ कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो एक बारी चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में एक बारी मैं आपको वीडियो क्वालिटी चेक करा देता हूँ। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD 1080p 60fps तक। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, फुल HD 1080p 60fps तक आप यहाँ पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड सेम आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि पुराने अपडेट्स में आपको मिलते थे। लास्ट अपडेट में आपको नाइट मोड का फीचर भी प्रोवाइड कर दिया गया था। एंड दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है कि Redmi Note 7 में भी आपको 48 मेगापिक्सल वाला प्रो मोड वाला फीचर भी देखने को मिल सकता है इंडिया वर्जन में आने वाले फ्यूचर के अपडेट्स के साथ। तो इस अपडेट में तो वो आपको नहीं मिला है, यहाँ पर आपको ग्रुप सेल्फी का ही ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए अवेलेबल है। तो देखते हैं ये वाला फीचर यहाँ पर Redmi Note 7 में कब तक देखने को मिलेगा, मिलता है तो यार अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बाकी फीचर्स तो आपको यहाँ पर जरूर से देखने को मिल जाएंगे। गाइज अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक्स आती है, 500 लाइक्स यहाँ पर आराम से कर दो, इससे ऊपर लाइक कर दोगे तो यार मज़ा ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस अपडेट का फुल रिव्यू भी मैं आपके लिए बना दूंगा कि कैसी है पबजी परफॉर्मेंस, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस, कितनी इसके बेंचमार्क स्कोर है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, 6-7 टेस्ट यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, यही कुछ आपको देखने को मिलता है इस अपडेट में। जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।